गणतंत्र दिवस पर यानी शुक्रवार के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि बाकी दिनों के लिए अभी ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में बर्फीली हवाएं सभी को परेशान करेंगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में कोहरा पड़ने की संभावना है। इस वजह से विजिबिलिटी भी कम रहेगी। अगर गुरुवार के दिन की बात करें तो कुछ पलों के लिए धूप तो निकली, मगर बर्फीली हवाएं साथ साथ चलने की वजह से कपकपी से राहत नहीं मिल पाई। सर बहुत ज्यादा धुंद पै रही है, बिल्कुल नहीं दिखता पे, काम कार सारे ठप हुए ने। कुदरत दा करिश्मा, जल्दी तो जल्दी ठंड तो छुटकारा होवे। स्कूलां च छुट्टियां पईयां, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सो एहो मैं चाहना कि जल्दी जल्दी लोकी अपना बचाव करन, गड्डियां स्पीड ना चलाउन, हौली हौली गड्डियां चलाउन ता कि एक्सीडेंट ना आउन। थैंक यू जी। कुलदीप सिंह मिर्दी जी, अमृतसर ची जी दो दिन तो बहुत ज्यादा कोहरा पै रहा, बहुत ही ज्यादा विजिबिलिटी इनी घट है, बयान नहीं कर सकते। एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा होंगे, बड़ा मतलब आराम ना जाइदा, सड़क पार करी दी है, कारोबार बंद हो लगभग, हुण भी अहीं ड्यूटियां ते जाणा ही, वेख लो आप बनिया बनिया सब कुछ, तभी मतलब कपड़े साडे ठंडे हो गए, इना कोहरा पै रहा। इसके चलते ही मौसम विभाग की तरफ से न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दो दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि माहौल बने रहने की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। वहीं बाहरी राज्यों में कोहरा अभी भी पड़ने की वजह से इसका असर रेलगाड़ियों पर भी पड़ रहा है। जबलपुर एक्सप्रेस, कोटा साप्ताहिक एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, झेलम एक्सप्रेस उधमपुर, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां रद्द कर दी गई, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।